सो गाइस, रेडमी नोट 10 जिस फीचर्स के साथ मार्केट में लॉन्च हुआ है, इस प्राइस रेंज में ऐसा फीचर्स इससे पहले हमें किसी भी मोबाइल में देखने को नहीं मिला है। बट मोबाइल का प्रोसेसर को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्योंकि इसी प्राइस रेंज में मतलब 12,000 में मार्केट में गेमिंग प्रोसेसर भी हमें मिलता है, जो कि माइक्रोमैक्स इन नोट 1 या फिर रेडमी नोट 9 में भी मिलता है। पोको M3 भी है और काफ़ी ब्रांड का मोबाइल आपको मिल जाएगा 12,000 के अंदर। तो गाइस, इस जगह फिर क्वेश्चन ले आता है कि भाई हमें रेडमी नोट 10 खरीदना चाहिए या फिर गेमिंग के लिए कोई दूसरा फ़ोन खरीदना चाहिए, क्योंकि 12,000 दे रहा है भाई, पैसा तो हमारा पॉकेट से जा रहा है, तो अच्छा फोन आना चाहिए और हमें परफॉर्मेंस बेटर चाहिए भाई। तो चलिए आज इस बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है कौन सा फोन 12,000 में सबसे बेस्ट होगा आपके लिए और किस लिए बेस्ट होगा, वो भी डिस्कस करने वाला है। तो दोस्तों, 2021 में मोबाइल का लुक और डिजाइन में हम लोग फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि लगभग हर एक कंपनी जो है लुक और डिजाइन बेहतर दे रहा है और बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छा रहता है, और रेडमी का बिल्ड क्वालिटी में कोई भी मतलब नेगेटिव आप पॉइंट नहीं निकाल पाएंगे। तो रेडमी नोट 10 का बिल्ड क्वालिटी काफी बेहतर है। इस जगह पर अगर आप माइक्रोमैक्स इन नोट 1 देखेंगे तो उसका बिल्ड क्वालिटी आपको थोड़ा सा लो लगेगा, बट इस जगह पे हम लोग परफॉर्मेंस में ध्यान देंगे और फीचर्स में ध्यान देंगे। देखिए, सबसे बड़ा हाईलाइट फीचर्स है रेडमी नोट 10 का सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कि बहुत बड़ा फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला मिडिल पंच होल वाला आपको डिस्प्ले मिल जाता है। बाकी बहुत सारा मोबाइल है जैसे कि रेडमी नोट 9 है या फिर माइक्रोमैक्स इन नोट 1 है, जिसमें आपको FHD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलता है, तो इस जगह पे आपको ब्राइटनेस ज़्यादा तो मिलता है, 1100 निट्स का ब्राइटनेस देखने को मिल जाता है और सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, तो भाई गोरिल्ला ग्लास का भी प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो डिस्प्ले के मामले में माइक्रोमैक्स और रेडमी नोट 9 पीछे रह जाता है, रेडमी नोट 10 डेफिनेटली बेटर डिस्प्ले आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर आप सिनेमा वगैरह देखते हैं या फिर आपको बेटर डिस्प्ले चाहिए, तो जी हाँ, रेडमी नोट 10 आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद आता है कैमरा। देखिए, कैमरा बहुत अच्छा एक इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है, क्योंकि हम लोग कभी ना कभी कैमरा को जरूर यूज करते हैं डेली लाइफ में। तो दोस्तों, कैमरा जो है तीनों फ़ोन में, मतलब अगर आप रेडमी नोट 9 देखेंगे या फिर माइक्रोमैक्स इन नोट 1 देखेंगे या फिर रेडमी नोट 10 देखेंगे, 48 मेगापिक्सल का आपको कैमरा मिल जाता है। तो इस जगह पे कैमरा में उतना ज्यादा डिफरेंस शायद आपको नहीं मिलने वाला है, बट सेल्फी कैमरा जो रहेगा वो 13 मेगापिक्सल का रेडमी नोट 10 में आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा पंच होल के साथ। बट इस जगह पे सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है, भाई हमें चाहिए गेमिंग मोबाइल, हमें गेम खेलना है तगड़ा वाला, हमें एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया चाहिए, परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया चाहिए, हैंग या फिर हीटिंग प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, तो इस जगह पे कौन सा मोबाइल बेस्ट होगा? देखिए, माइक्रोमैक्स इन नोट 1 आया है मीडियाटेक हीलियो G85 और रेडमी नोट 9 भी मीडियाटेक हीलियो G85 के प्रोसेसर के साथ अवेलेबल है, बट इस जगह पे जो रेडमी नोट 10 आया है स्नैपड्रैगन 678 के साथ, तो इस जगह पे कौन सा प्रोसेसर बेस्ट है? देखिए, प्रोसेसर के मामले में मीडियाटेक हीलियो G85 ज़्यादा बेटर है अगर आप गेम खेलते हैं तो, और डे टू डे लाइफ में भी आप जो है यूज करेंगे तो मीडियाटेक हीलियो G85 आपको ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देगा। तो इस जगह पे अगर आप सोच रहे हैं भाई गेमिंग फ़ोन चाहिए, परफॉर्मेंस आपको बेहतर चाहिए, तो जी हाँ, डेफिनेटली रेडमी नोट 9 या फिर माइक्रोमैक्स इन नोट 1 आपको ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देगा। लेकिन अगर आप उतना ज़्यादा गेम नहीं खेलते हैं, थोड़ा बहुत गेम खेलते हैं, तो आपके लिए रेडमी नोट 10 भी बेहतर हो सकता है, उतना ज़्यादा बुरा भी प्रोसेसर नहीं है, बट आपको बेटर परफॉर्मेंस जो है रेडमी नोट 9 या फिर माइक्रोमैक्स इन नोट 1 में देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रोसेसर आपको बेहतर मिलता है। और इसी जगह पे जो है रेडमी नोट 10 में प्राइस को थोड़ा सा कट किया गया है और इसीलिए सुपर एमोलेड डिस्प्ले दे पाया है इस प्राइस रेंज में रेडमी, तो ये सोचने वाली बात है भाई, सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया है तो थोड़ा तो आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा। बाकी तीनों मोबाइल में आपको लगभग सेम बैटरी देखने को मिल जाता है, 5000 mAh का बैटरी आपको लगभग तीनों मोबाइल में मिल जाता है, बट इसे फास्ट चार्जिंग में डिफरेंस है भाई, क्योंकि जो रेडमी नोट 10 आया है वो 33 वाट का सुपर फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाता है, जो कि इस प्राइस रेंज में किसी भी मोबाइल में नहीं है, और USB टाइप सी का भी पोर्ट मिल जाता है। बाकी जो दो मोबाइल में बताया वो दोनों में 18 वाट का चार्जर दिया गया है, तो इस जगह पर अगर फास्ट चार्जिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो रेडमी नोट 10 आपके लिए डेफिनेटली बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा लुक और डिजाइन के मामले में जो फिंगरप्रिंट सेंसर रहता है वो बैक साइड में रहता है, बट रेडमी नोट 10 में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको देखने को मिल जाता है, न्यू डिजाइन में कैमरा पैनल देखने को मिल जाता है, तो इसीलिए कुछ चीज़ जो है रेडमी नोट 10 में हमें बेहतर देखने को मिलता है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 33 वाट का चार्जर, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, और अगर आपको बेहतर गेम खेलना है तो इस जगह पर मीडियाटेक हीलियो G85 जो माइक्रोमैक्स इन नोट 1 या फिर रेडमी नोट 9 में मिलता है वो आपको बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराएगा। तो ये था मेरा होनेस्ट ओपिनियन, बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ये तीनों मोबाइल में से कौन सा मोबाइल आपके हिसाब से बेस्ट है और कौन सा मोबाइल आप यूज कर रहे हैं या फिर खरीदना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, ये था वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बाजू में लगा घंटा उसको दबा के ऑल कर देना। चलिए मिलते हैं और कोई इंटरेस्टिंग और फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।